परम बलशाली होकर सूर्य कई राशियों की बदल देंगे किस्मत। 13 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन और 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य। सभी 12 राशियां होंगी प्रभावित, लेकिन कुछ राशियों का डंका बजेगा। प्रमोशन से लेकर खुशहाली भी देंगे सूर्य, कई मुरादें करेंगे पूरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूर्य परम बलशाली हो रहे हैं, सुपर पावरफुल हो रहे हैं, और पावरफुल होकर वह कई राशियों की किस्मत का सितारा बुलंद करने वाले हैं। वैसे तो सूर्य का हमेशा डंका बजता है, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं, एनर्जी का पावर हाउस है, संसार की आत्मा है। लेकिन जब सूर्य अपनी ही सिंह राशि में होते हैं और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो फिर बेहद पावरफुल हो जाते हैं। सूर्य इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 सितंबर को सुबह 9:44 पर वह उत्तर फागुनी नक्षत्र में आ जाएंगे और 27 सितंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, उसमें उत्तर फागुनी नक्षत्र 12वां नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के स्वामी खुद सूर्यदेव हैं। अपनी ही राशि, अपने ही नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करते हैं तो कई राशियों की किस्मत बदल देते हैं। हालांकि अपने ही नक्षत्र में आने के बाद सूर्य 16 सितंबर को राशि परिवर्तन भी कर लेंगे और वह अपने मित्र बुध की कन्या राशि में आ जाएंगे। अपने ही नक्षत्र में गोचर करके मित्र राशि में भ्रमण करते हुए सूर्य का पूरा जलवा जो है वो देखने को मिलेगा। पूरे 366 दिन के बाद सूर्य अपने परम मित्र बुध की कन्या राशि में आएंगे, एक महीना रहेंगे, 16 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य व्यक्ति को सफलता, पराक्रम, कॉन्फिडेंस देते हैं। सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर लोगों के कैरियर पर होता है, हेल्थ पर होता है, सफलता और असफलता पर होता है। वैसे भी ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक होने के साथ साथ हमारे मान सम्मान का प्रतीक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, उन्हें समाज में पूरे यश और मान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये कैसे ग्रह हैं जो कभी वक्र अवस्था में नहीं होते, उल्टी चाल नहीं चलते, और ये प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य हमें प्रतिदिन दर्शन देते हैं और हमारे शास्त्रों में इनकी उपासना से मिलने वाले शुभ फलों की लंबी फेहरिस्त रहती है। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना और फिर राशि परिवर्तन करना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों की जिंदगी को किसी न किसी रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा। सूर्य इन राशियों को खुशखबरी भी देंगे, समाज में अच्छा स्टेटस भी देंगे और खुशहाली भी देंगे। सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन और फिर राशि परिवर्तन करके किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं, ये मैं इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पोस्ट पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। पहले मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए आमदनी के नए साधन बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी, आपके पराक्रम और आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके घर मांगलिक या शुभ कार्य हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, प्रमोशन की संभावना रहेगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों को पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, प्रमोशन का योग भी बनेगा। अगर सिंगल हैं तो विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय शुभ रहने वाला है और विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन राशि है और यह सूर्य की मित्र राशि है। मिथुन राशि के लोगों के लिए समय धीरे धीरे बेहतर होगा, धन की आमद बढ़ेगी, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों को प्रभावित करेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के योग बनेंगे। अगली राशि कर्क राशि है, यह सूर्य की मित्र राशि है। कर्क राशि वालों के लिए नया वाहन और नया फ्लैट खरीदने के योग बनेंगे। विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, कोई रिश्ता फाइनल कर सकते हैं, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बने जा रहे हैं और आपका समाज में पूरा डंका भी बजेगा। पांचवी राशि सिंह राशि है, सूर्य की अपनी राशि है। सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों की किस्मत का पिटारा खोलने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी, सरकारी लेन देन या कारोबार में लगे लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। आपका समाज के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनसे परिचय होगा और उनसे जो आपके संपर्क बनेंगे वो आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। अगली राशि कन्या राशि है। जब सूर्य कन्या राशि में एक महीना गोचर करेंगे और उनका कॉम्बिनेशन केतु से बनेगा, इससे ग्रहण योग भी बनेगा, परंतु
सूर्य मित्र राशि में गोचर करते हुए सुपर पावरफुल बने रहेंगे और कन्या राशि वालों के भाग्य के दरवाजे खोल देंगे। कन्या राशि वालों को नौकरी और कारोबार में सफलताएं देंगे। आपके सीनियर और आपके कोलीग आपकी जो कार्य है, कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे। अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत फायदा लेकर आ रहा है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। बिजनेस में तरक्की हो सकती है। आप अपने बिजनेस को विस्तार भी दे सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सूर्य का गोचर शुभ रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो हैं वो और बेहतर होंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। सूर्य का गोचर मिले जुले फल देने वाला है। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, लेकिन आमदनी के साधन बढ़ेंगे, प्रमोशन के योग भी बनेंगे। अगली राशि धनु राशि है। सूर्य का गोचर धनु राशि वालों के लिए खुशियों की पोटली लेकर आ रहा है। बीमारी से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। जो लोग सेना में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेवा कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। आप अपनी मेहनत से कैरियर में तरक्की करेंगे। आपके अटके हुए काम फिर से सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगे। अब मकर राशि की बात करता हूं। मकर राशि वालों को वाहन चलाते हुए थोड़ा सावधान रहना है। कार्यस्थल पर कन्फ्रंटेशन से खुद को दूर रखना है। किसी को उधार देने से बचना है। किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर सोच समझ कर हस्ताक्षर करने हैं। दूसरी तरफ सूर्य के गोचर से आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। अब ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है। इसके बावजूद सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों को काफी राहत देने वाला है। नौकरी बदलने की सोच रहे कुंभ राशि के लोगों को नए ऑफर लेटर मिल सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई पुरस्कार मिलने का योग भी बनेगा। अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि पर भी 7.5 चल रही है, लेकिन सूर्य का गोचर बहुत शुभ साबित होगा। आपकी हेल्थ बेटर होगी। बिजनेस में आ रही जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी। आप अपने टैलेंट से, अपने हुनर से समस्याओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, घर में खुशियां दस्तक देंगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।